गुप्त नवरात्रि की कथा। आइए देखते हैं। इस कथा को नवरात्रि के दौरान किसी भी समय पढ़ा या सुना जा सकता है, विशेषकर प्रथम दिन इसका वाचन एवं श्रवण किया जाता है। गुप्त नवरात्रि से जुड़े प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा ये है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करवृद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्वासनाओं से सदा घिरा रहता है, जिसके कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआड़ी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त दो नवरात्रे और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की आराधना होती है और गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रि की प्रमुख देवी काली है। यदि इन गुप्त नवरात्रे में कोई भी माँ दुर्गा की आराधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यासी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना करने वाला भी यदि नवरात्रि की आराधना करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना से उनका जीवन पूर्ण खिल उठा।